इसको पैनकेक मिले है, छोले हो गए, राजमा हो गया, पराठे। सो ये है इनके, वो 950 बात की है, बहुत प्रीटी है कुट। सो ये है लंदन ब्रीज स्काई। ऐसे डिजाइन किया है कि आपको लगेगा कि आप एयरपोर्ट में ही घूम रहे हो। जैसे गुड मॉर्निंग फ्रॉम बैंकॉक एंड वेलकम बैक टू इन बैंकॉक ब्लॉग सीरीज डे नंबर 4। आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं, आज हमारा लास्ट डे है और हम लोग जा रहे हैं नाइट में, बिकॉज हमें पूरा डे एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने नाइट की फ्लाइट चूज की। तो हमारा रेडी होके सब कुछ हो गया है, एक्सप्लोर करके इवन हो गया है। एक पॉइंट यहाँ पे बचा है, विच इज टर्मिनल 21, जो काफी फेमस मॉल है। इसका कुछ तो यूनिक स्ट्रक्चर है, तो वही हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंड, आज हम लोग ये होटल भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, बिकॉज इतना अच्छा होटल का अगर आप पे करते हो, सो लास्ट डे में थोड़ा रिलैक्सिंग टाइप से रखो। एंड आज थोड़ा मसाज करवाने जाते हैं, वैसे तो रोज लेग मसाज करवा ही रहे हैं, यहाँ पे फुट मसाज बनती है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो रोज करवाओ, आराम से सिंपल एकदम, कोई चिल आउट करो सिर्फ आधे घंटे वाली, तो आज हम लोग वो करवाएंगे। एंड या तो आज इस व्लॉग में आप देखने वाले हो इस होटल का टूर एंड टर्मिनल 21। माइट भी अगर वो अच्छा लगा प्लेस मुझे, तो मैं उसका सेपरेट ब्लॉग बनाने वाली हूँ, इसमें थोड़े मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगी। एंड उसके बाद में हम लोग जा रहे हैं मसाज के लिए, वो देखने वाले हो। एंड यू विल सी हमारी रिटर्न फ्लाइट जर्नी टू सिंगापुर, हमारी कर्म भूमि। बस सो स्टे ट्यून। इस होटल में 32 फ्लोर है, हमें 27 पे मिला है और 32 पे रूफ टॉप बार है और सेकंड पे इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे अभी बूफे रहता है और 9 फ्लोर पे है इनका स्विमिंग पूल एंड सलोन भी, स्पा भी। तो हम लोग आज ये सब एक्सप्लोर करेंगे। हमारे छोटा छतरी क्या खा रहे है, इसको पैनकेक मिला है और हमारे फूड पे है छोले, छोले हो गए, राजमा हो गए, पराठे हो गए, राइस हो गए एंड कॉफ़ी एंड कपकेक भी। हमारा ब्रेकफास्ट करके हो गया, अभी इनका पूल एरिया चेक करने आ रहे हैं। ये है, आते हैं यहाँ पे, इतने सुंदर से पीस, वाओ काफ़ी फैसिनेटेड है। लेट्स सी इनका पूल कैसा है। हमारा छोटा छतरी ऑलरेडी वहाँ पे खेल रहा है। सो ये है इनका पूरा पूल एरिया, ऐसा कुछ है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है इनकी यहाँ पे, और वहाँ पे भी सिटिंग एरिया इनका, इनका पर्सन यहाँ पे रहता है ऑलरेडी, का यहाँ पे खेल रही है, छोटे बच्चों के लिए अलग से पूल है, ऐसा कुछ इनका सिटिंग एरिया जगह जगह पे बना हुआ है, बहुत सुंदर है भाई। तो ये बच्चों के लिए इन्होंने ऐसे प्रोवाइड भी करते हैं ऐसे ट्यूब वगैरह, और अलग से ऐसे पूल है छोटे बच्चों के लिए और ये बड़ों के लिए, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और ये यहाँ पे शोपीस हो गया। किसी को यहाँ पे पुल पे कुछ ऑर्डर करना है तो यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं इस रेस्टोरेंट से। ये यहाँ पे है बार, तो यहाँ से कर सकते हैं पुल में कुछ अगर ड्रिंक चाहिए तो ऑर्डर। जा रहे हैं टर्मिनल 21, ये मॉल का नाम है और ये काफ़ी फेमस है। इसमें कुछ तो यूनिक थिंग्स है कि हर एक कंट्री के रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ हर फ्लोर को बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। सो हम लोग अभी वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लेट्स सी वो कैसा रहता है। उस व्लॉग में मैं टर्मिनल 21 का सिर्फ थोड़ा सा क्लिप दिखा रही हूँ, अगर वो मुझे पसंद आता है तो मैं उसका अलग से वीडियो डालती हूँ, बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। सोफिटेल होटल इससे काफ़ी नियर बाय है, सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हाईली रिकमेंड अगर आपका बजट अच्छा है तो इस होटल के लिए। एंड इसके नियर बाय बहुत सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स है वो काफ़ी नियर बाय है, लाइक विद इन 20 मिनट में आप कवर कर सकते हो। मेट्रो भी पास में ही है 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बेस्ट हाईली रिकमेंड। उसके टर्मिनल 21 लेट सी, अंदर जाके देखते हैं कैसे है ये।
इस मॉल को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको लगेगा कि आप एयरपोर्ट में ही घूम रहे हो. जैसे ये लिफ्ट है तो यहाँ पे ऐसे गो एंड रोम इंटरनेशनल क्या लिख रखा है ये ब्रांड नेम, सो ऐसे लगेगा. प्लस यहाँ पे एंटर करते ही ऐसे है डिपार्चर लेवल LG. सो ऐसे लग रहा है कि हम लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं और अभी हमारी फ्लाइट बस अब डिपार्च करने ही वाले हैं. सो ये वाला मॉल पूरी कंट्रीज़ घुमा देता है यहीं पे, जिन जिन का थीम यहाँ पे लगा हुआ है. जैसे अभी हम लोग जा रहे हैं कैरेबियन में, तो लेट्स सी इनका ये कैसे. डाइसो सिंगापुर में भी है, काफ़ी अच्छा है. इसमें चीपर अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो उसमें गिफ्ट वगैरह, फूड, कुछ किचन के आइटम्स, घर के आइटम बहुत सारे मिल जाते हैं. इवन ये मिनी वाला है ये भी है, तो इसमें भी काफ़ी क्यूट क्यूट स्टफ्स होते हैं मिनी वाले में. तो जैसे मोस्टली पिंक पिंक टाइप के, मैंने काफ़ी बार अपने ब्लॉग में सिंगापुर के वाले में भी दिखाया हुआ है. सेम फ्लोर पे ऐसे आइलैंड भी बनाया, ऐसे लग रहा है कि आप बीच पे बैठे हो. और अभी जा रहे हैं रोम में, लेट्स सी ये कैसा है. काफ़ी सुंदर स्टैचू बनाया है, सच में ऐसे लग रहा है जैसे रोम में है. गई तो नहीं लेकिन वीडियो से समझ में आ रहा है. अभी हम लोग जा रहे हैं गेस्ट में, बिकॉज यहाँ पे 50% ऑफ थी कहा रहा है. लेट्स सी सच में है क्या. यहाँ पे जो ड्रेस दिख रही है वो 950 बात की है, बहुत प्रीटी है, कॉटन बेस पे है, बहुत सुंदर है, सिंपल न्यूट्रल कलर है. अगर किसी को ऐसे वाले देखना है तो देख सकते हैं. प्राइस जस्ट आइडियली बता दिया, 900-1000 के बीच में है सब. यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ वैसे ही है, सब समर कलेक्शन है यहाँ पे भी. बस We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a. So yeah, London breeze. We wanna chase the night. फटाफट से रूम पे आए थे बिकॉज स्काई ये इयररिंग्स कहीं घुमा दिया. और मैं सारी वीडियो स्क्रॉल कर रही हूँ मॉर्निंग की, तो हमें समझ में आया कि स्विमिंग में हम लोग गए थे और वहां से लेके जब ये कपड़े पहन रही थी तब तक की ड्यूरेशन में ये घुम हुआ था. तो हम लोग मॉल में थे अभी और वहां से रश आउट करके निकले कि कहीं तो ढूंढते, पर वीडियो से पता चला स्विमिंग है. वहां पे गए, उस बंदे को पूछा, उसने इमिजिएटली बोला कि ये वाला है करके. थैंक गॉड, मतलब ये हेवी है, प्लस एक इमोशनली अटैचमेंट है अपने बच्चे की चीज को लॉस करना. आई वुड से कि ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है पॉइंट, आप अच्छी जगह पे स्टे कीजिए ताकि आपका सामान की तरफ से सेफ्टी नहीं रहता, नहीं तो अदरवाइज हमारी कुछ चीजें खो जाती है. सबसे पहले हम यहाँ के जो सर्वेंट होते हैं, जो काम वाले होते हैं, उन्हीं पे डाउट करते हैं कि वो ले लेंगे. बट अगर आप अच्छी प्लेस है, रेपुटेटेड प्लेस पे हो, तो वो एक स्मॉल चीज के लिए कभी भी ऐसी वाली छोटी हरकतें नहीं करेंगे बिकॉज उनकी जॉब चली जाती है. हमेशा ध्यान रखिए उन चीजों पे नहीं डाउट करके आप रियलिस्टिक पे देखिए कि कहाँ पे आप लॉस्ट कर सकते हो अपनी चीजें, वहां से फाउंड आउट करके टाइम वेस्ट मत कीजिए. सो जस्ट मुझे यही बताना था इसमें. ओके, सो टाइम फॉर चेकआउट फ्रॉम दिस होटल. वी आर रेडी जस्ट कोजी सिंपल ड्रेसेस में. एंड तो हम लोग अभी कर रहे हैं चेकआउट और ये लास्ट मिनट हमारा छोटा छतरी पूरा चेकिंग करके और बाद में आएगा. स्काई लेट्स गो. ओके, सो दिस इज अ लवली स्टे, वी एंजॉय लॉट. चेक इन हो गया, अभी सारा सामान एंड ऑल लगेज हमारा गया और हम लोग निकल. स्काई बाय, वी आर गोइंग बाय. स्काई लेट्स गो. Nothing. चलो अब चलो तो
स्काई हाँ ओके ओके डन नाउ लेट्स गो अभी चेकआउट करवा दिया और लगेज उनके पास रखवा दिया है और हम लोग थोड़ा अभी खाना खाएंगे लिटिल बिट कुछ मार्केट एक्सप्लोर करना था जस्ट फॉर एक्सप्लोर बिकॉज हमें टाइम है थोड़ा सा एंड जस्ट चिल टाइम से एंड उसके बाद में या फिर कलेक्ट एंड मिक्स लाइफ बैक अगर आप लोग हम लोग अभी लंच के लिए आए डोसा किंग में तो ये नॉर्थ एंड साउथ इंडियन थाली है ये है इसकी वेबसाइट स्क्रीनशॉट ले लो किसी को आना है तो ये बहुत अच्छा है इसका फ्लेवर एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू और इसमें प्रॉपर सब कुछ है जैसे डोसा वगैरह थाली कुलचा नान सब कुछ है यहाँ पे हाय तो अभी हमारे इमिग्रेशन हो गए हैं हम लोग हैं अभी थाईलैंड के एयरपोर्ट पे बैंकॉक के एयरपोर्ट पे और यहाँ पे दो एयरपोर्ट है एक इंटरनेशनल के लिए और एक नेशनल के लिए बिकॉज अगर जैसे बैंकॉक से अगर कराबी या फिर फुकेट जा रहे हो तो फिर नेशनल पे जाना है मेक श्योर आप अगर टैक्सी वगैरह बुक कराओ तो प्रॉपर एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था अभी हमारे यहाँ से 2 घंटे की फ़्लाइट है फिर हम लोग सिंगापुर पहुँच जाएंगे हमारी कर्म मूवी एक और बात अगर आप लोग इंटरनेशनल टू इंटरनेशनली अगर आप फ्लाई कर रहे हो फ्लाइट इंडिया नहीं है बीच में तो फिर ऐसी वाली फ़्लाइट में आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन मील के लिए स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करना पड़ता है जब आप बुकिंग करते हो या फिर एटलीस्ट 48 आवर पहले इनको बताना पड़ता है तो मेक श्योर आप बताना क्योंकि हमारी जो यहाँ से सिंगापुर से है तो उसमें वेजिटेरियन मील का इशू है तो लकीली हम लोगों ने बता दिया तो हमें मिलेगी अदरवाइज नहीं मिलती है ओके हम लोग पहुंच गए अभी सिंगापुर एयरपोर्ट अभी इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा ये बैंकॉक की जर्नी एंड या दैट्स इट बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू नो मोर अबाउट मी